अब मैं अपने कुछ अतिथियों के भी विचार जरूर लेना चाहूँगा। ऐसे ही एक हमारी जो विशिष्ट अतिथि जो बसंत कन्या बसंत महिला महाविद्यालय राजघाट वाराणसी की प्राचार्या प्रोफेसर अलका सिंह जी मंचासीन हैं, मैं बड़े ही आदर सम्मान के साथ आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि मैडम आप आए और अपने आशीर्वाद देने की कृपा करें। मंच पे आसीन हमारे अग्रज और सभागार में आप सभी को मेरा नमस्कार। काशी कला कस्तूरी के साथ जुड़ना अपने आप में एक सौभाग्य है और शबनम ने हमें ये मौका दिया, इसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं। ये एक दिन जो विदित होता है वो हो ही जाता है। हम शबनम को बिल्कुल नहीं जानते थे, हालांकि शबनम वसंत महिला महाविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। अचानक से कोविड के दरमियान उनका फ़ोन आया था और हमारा संपर्क का सिलसिला जारी हुआ। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि कोई संस्था जो कि शैक्षिक सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य में जिस धैर्य से काम कर रही है वो शायद हम लोग के लिए भी उतना मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग किसी बंदिश में काम करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह से एक शिक्षिका होते हुए भी वो इतना समय देती हैं, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। आज के सामाजिक परिवेश में इस तरह का सामाजिक काम करना, उसके लिए बहुत सारी हिम्मत, सोच और एक ऐसी सोच जो हम सबको जोड़ सके बहुत ही अनिवार्य है। और शायद हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं और काशी कला कस्तूरी से जुड़े हुए हैं इस बात को भली भांति समझते हैं और अपने हिसाब से कोशिश भी करते हैं कि इस कार्य में हम जो भी सहयोग कर सके वो दे सकें। सुचरिता दी जो कि जुड़ी हुई हैं हमारे महाविद्यालय से भी हमसे भी, उनका मार्गदर्शन और बाकी जितने भी हमारे अग्रज हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज जो हमारा महाविद्यालय है उसको किस तरह से हम ऐसे मंच से जोड़ सकें कि जब 3000 बच्चियां उसमें सार्थक काम करेंगी तो समाज में परिवर्तन तो आना ही है। ये न ही हमारी सोच है बल्कि मेरा एक संकल्प है और शायद हम लोग इसमें बहुत जल्दी कामयाब भी होंगे, क्योंकि हमारा महाविद्यालय उसकी तरफ अग्रसर है और कोशिशें भी तमाम तरह की हैं, जिससे कि एक चीज़ जो अहम हमारी ज़िंदगी में है वो है अपनी ही सोच में बदलाव लाना। हम बाहरी तरह से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, भाषण करते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपने आप में झांक करके और ये सोच को कहीं पे सार्थक रूप दे पाएंगे तो निश्चित तौर पे जो सपना शबनम ने देखा है वो पूरा होगा, जो कि हम एक बहुत ही प्रगतिशील देश में है जहाँ की संस्कृति बहुत ही अपने आप में महान है। तो आज आप सबसे निवेदन है और मेरा संकल्प है आपसे कि हम सब मिल करके अपने इस समाज को हर उस कुरीति से बचाएंगे जो कि हम भली भांति समझ रहे हैं, लेकिन कहीं पे बदलाव आने में थोड़ा समय है, समय थोड़ा है लगेगा, क्योंकि कोई भी कार्य या कोई भी यज्ञ ठाना जाए तो वक्त तो उसमें लगता है। तो आइए हम सब मिल करके काशी कला कस्तूरी के साथ जुड़ करके इस काम को सार्थक रूप दें। धन्यवाद।